जाति वाइज बट जा रहे हैं ये लोग, सिर्फ हिंदू हिंदू लिखें तो आज के डेट में हिंदू देश धर्म है, देश है हमारा, और इसको एक तरीके से मान्यता भी मिल जाएगी। जातियों में बटना नहीं चाहिए, नहीं बांटा, हाँ जातियों में बिल्कुल नहीं बटना चाहिए। तो बहुत पहले से बटे हुए हैं, नहीं नहीं बटना चाहिए आज के डेट में। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, उपाध्याय लिखते हैं जी, बिल्कुल। आप भी जात में बट गए? नहीं नहीं, मैं भी अब हिंदू लिखना चाह रहा हूँ। अब लिखना चाह रहा हूँ, बिल्कुल लिखना चाह रहा हूँ। शैलेंद्र हिंदू? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल शैलेंद्र हिंदू आप लिखिए एकदम। आपने उपाध्याय लिखा, इसका मतलब जाति में बटे हैं? एक बात बताइए आप, ये पहले से ही चला आ रहा है, अभी परंपरा है क्या? एक ऑफिस खुलती है तो एक MD होता है, एक चपरासी होता है, एक गन सिक्योरिटी वाला होता है। उसी प्रक्रिया में राजा महाराजा के दौर में जो है वो चला आ रहा था कि भगवान के में कि ये छत्री हैं, ये लड़ेंगे, इनका काम है लड़ना, ये पंडित हैं, जो पढ़े लिखे वो होते हैं उनको पंडित बना दिया जाता, वो पूजा पाठ कराते थे। अब धीरे धीरे इसको लोग रोज ढर्रा में आ गए। मैं भी अपने आप को उपाध्याय कह रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा होता है संस्कृत, जो कर्मकांड करा ले उसको पंडित कहते हैं। मतलब दलित भी अगर पढ़ा लिखा है, कर्मकांड करा, पंडित है, पंडित पंडित है, पंडित है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी पंडित है। अयोध्या का, अयोध्या में पुजारी बन सकता है अगर उसको उसमें अप्लाई करे और उसकी जो परीक्षा है तो उसको निकाले, वो भी बन सकता है। तो घोड़ा में बैठने से उसको क्यों मार दिया जाता है, उसके ऊपर पेशाब क्यों कर दिया जाता है? आप कहाँ कहीं दिखाएंगे ऐसा? अरे MP में है पूरा। आपका क्या नाम है? आप नाम क्या करोगे? हम हिंदुस्तानी है। आप नाम बताइए। हिंदुस्तानी नाम और जाति धर्म में नहीं बनेंगे, नहीं बटेंगे हम। आप हिंदुओं को बांटने की कोशिश करते हैं? हम मुसलमान नहीं है, हम ठाकुर हैं। आप बताओ, आप ठाकुर हैं? हाँ आप ठाकुर हैं। हाँ, पर सेकुलर हैं, हम संविधान को मानते हैं, आपके तरह नहीं हम। नहीं, जो जाति धर्म में बांटेंगे, अगर आप एकता रखते हैं आप, तो आप दलित को और आगे बढ़ाइए ना। आप क्षत्रिय हैं तो आप खुद बट रहे हैं, आप खुद बट रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं, आप हिंदू हो, मैं भी हिंदू हूँ, और जो एक प्रोटोकॉल है, एक क्षत्रिय जो है अगर जो पढ़ा लिख मतलब कर्मकांड की विद्या पढ़ ले वो भी राम का मुक्ति जारी हो सकता है। हिंदू राष्ट्र आप चाहते हैं? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र सभी लोग चाहते हैं। हम क्या सभी लोग चाहते हैं? आप कहते हो कि जात व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। हाँ, जात व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, जात व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है। जो पढ़ा लिखा होगा वही पंडित होगा, जब जो कर्मकांड करा ले वही पंडित है, और ये बात तो सही है, जो कर्मकांड करा ले रहा है वही पंडित है, जो उसको नॉलेज हो। आप भी अब उपाध्याय लिख रहे हैं तो मतलब लिखना बंद करेंगे? हम बंद कर देंगे, या परंपरा तक बंद नहीं किया हिंदू राष्ट्र आज तक बंद नहीं किया? नहीं अभी तक नहीं बंद आपकी, लेकिन बंद नहीं किया अभी नहीं बंद। ना पूछा आपसे, आपने उपाध्याय बताया? नहीं नहीं, हाँ उपाध्याय बताया ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं शैलेंद्र हिंदू लिखूंगा, बिल्कुल लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ कि मैं शैलेंद्र उपाध्याय हिंदू लिखूंगा। मैं जातियों में बटना नहीं चाहता हूँ, सब लोग हमारे अपने आदमी हैं, सब जितने भी हिंदू हैं, जातियों में मैं नहीं बटना। कहा क्या आपने सुना है कभी मुसलमान को कि ये जाति का है, वो जाति का है? बिल्कुल है, भारत में है ना, जातियों में बटे लिखते हैं कि हम मुस्लिम भाई हैं, जातियों में बटे, मैं हिंदू हूँ, जातियों में बटे हुए, मुसलमान भी बटे हुए, लेकिन बटे हैं ना, लेकिन वो कोई कहता नहीं है। महाद्वीप में मुसलमान भी बटे हुए कि मैं मुस्लिम हूँ, सभी लोग ये बताए मैं मुस्लिम हूँ। हिंदू में तो सब कहते हैं, हाँ नहीं हिंदू है, नहीं अब बैकवर्ड का हो, चाहे मौर्य हो, चाहे पटेल हो, भी तो कहता है कि मैं हिंदू। नहीं नहीं, बिलमान तो कहीं नहीं लगता अपने आप, कहते हैं ना वो लोग, कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है, यही हमें हिंदू धर्म बना। अब आप बता रहे हो ठीक है हिंदू राष्ट्र बनाएगा, ठीक है आप बता रहे हो, आप बता रहे हो कि मुसलमानों में बटे हुए नहीं, मुसलमान कहते हैं अपने आप को ना, जो मुस्लिम होते हैं। तो ऐसे तो हिंदुओं में भी हो, चाहे मौर्य हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो किसी भी जाति का, अपने आप को हिंदू तो कहता है, तो नहीं कहता मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ। लेकिन कुछ लोग विरोध कर भी तो करते हैं, यह बात समझिए, इसका विरोध कर, मतलब हिंदू धर्म का कि जो है हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं, आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू हैं, उस चीज को मानिए। बस यह कहिए कि आप जो वर्ण व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं वो हटा के जो अभी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वह कहीं भी जाके पूजा पाठ करा सकता है।